अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिप्टो बाबा। और मैंने जैसे आपसे कहा था कि मेरे दोस्त मेरे मोहतरम मुकद्दस पाठ साहब से मैंने वो उस दिन सेशन अधूरा रहा था, तो एक सेशन हमारा पेंडिंग था और इसके बाद भी ये सेशन हमारे चलते रहेंगे। तो मैंने मुकद्दस साहब से ईद मुबारक भी करनी थी, और इनका मतलब मुकद्दस पाठ का खाली मेरे चैनल के लिए ही बड़ा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि इनका क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरे वो तमाम दोस्त जो मुझे भी देखते हैं, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ मुझे ट्विटर पे भी फॉलो करें, तो मैं यहाँ पे इस इंटरव्यू से पहले मैं कहता हूँ कि मुझे कोई ट्विटर पे फॉलो करे ना करे, मुझे कोई यूट्यूब पे फॉलो करे ना करे, मेरे दोस्त मुकद्दस पाठ को करे। ये मसला एक सच्चा खरा और मेरी तरह का एक जेन्युइन आदमी है, और ये भी उसी तरीके से मुझे पता है कि जिस तरीके से मैं अक्सर आपको अपनी स्ट्रगल का बताते रहता हूँ, तो ये वही बंदा है कि जिसने मेरी जैसी स्ट्रगल गुजारी हुई है, क्योंकि हमने इकट्ठे एक जगह से स्टार्ट लिया था और बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड देखा था, तो इसलिए ये दोस्ती ये ताल्लुक बहुत पुराना है। तो खैर मुकद्दस भाई, ईद मुबारक, वेलकम टू क्रिप्टो बाबा। क्या कैसे हैं आप, सबसे पहले तो ये बताओ। मैं ठीक ठाक अली भाई, थैंक यू वेरी मच। लॉन्ग टाइम नो सी, मैं तो ये कहूँगा इत्तफाक से आपने वो ईद मुबारक का मैसेज भेजा तो दोबारा हमारी कम्युनिकेशन कंटिन्यू हुई है। आई होप कि आप इस दौरान मुसलसल अपनी कम्युनिटी को क्रिप्टो के हवाले से अपडेट वगैरह कर रहे होंगे, तो बड़ी खुशी हुई है आपको दोबारा ज्वाइन करके, दोबारा आपसे गुफ्तगू करके। थैंक यू वेरी मच। असल में ना इस सारे रस्ते में मुझे तो आपसे भी हमेशा सीखने का मौका मिलता रहा है, और खासकर मैं आपको हमेशा इस मामले में अपना लीडर समझता हूँ, क्योंकि आपकी पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मजे का होता है। और ट्विटर पर भी जिस तरीके से आप सादा से अल्फाज में लोगों को लिक्विडिटी क्या है, या बड़े बड़े जो गंभीर से किस्म के मसले होते हैं, वो जितने सादा अंदाज में समझा रहे होते हैं, वो तो बहुत जबरदस्त है। मतलब मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि खुद पहले आसानी से समझूँ और उस तरह से लोगों को समझाऊँ। तो चले खैर, आज अब मौजू की तरफ आते हैं। तो हमारी आखिरी मुलाकात और ये वाली मुलाकात तकरीबन 5 से 6 महीने मिनिमम हो गए हमें। इस सारे रास्ते में क्रिप्टो मार्केट ने बड़े उतार चढ़ाव देखे, और सबसे बड़ा तो एक ड्रामा जो नवंबर में हुआ, मतलब FTX का जो मामला सारा चला, सैम बैंकमन-फ्राइड, एक बड़ी एक्सचेंज, ठीक है, उसने क्रिप्टो की इंडस्ट्री के ऊपर लोगों का एतमाद जिस तरह से गड़बड़ कर दिया, लोगों के एतमाद को जिस तरह से ठेस पहुंचाई, और जिस तरीके से वो स्टेबल कॉइन वाला भाई भूखे वॉम था, लूना टेरा का जिस तरीके से पूरी मार्केट को पिछले साल पूरे को लेकर डूबा, तो इसके ऊपर सबसे पहले तो मुझे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना कि इस तरीके से अगर मार्केट में ऐसे लोग रहेंगे तो जेन्युइन जो लोग आते हैं, या जिस तरीके से फिर वो हमेशा एक बात चलती है कि ये जो है ही फ्रॉड है, ये तो है ही इंडस्ट्री फ्रॉड है, तो क्या आप इस पर क्या कहते हैं? पहला सवाल यही आपका। अच्छा, इसको मैं ऐसे एनालाइज करूंगा अली भाई। पहले नंबर पे तो ये FTX का क्रैश हुआ है, इस टेक्नोलॉजी का क्रैश नहीं हुआ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ये एकदम इंसान जो है पहले पत्थरों के साथ फायर जो है वो बनाता था, एक फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद अचानक जो है वो लेटर इस्तेमाल करना शुरू हो गया। एक टेक्नोलॉजी है जिसने कहा जी कि हम जो है लेटर के जरिए या मैच बॉक्स के जरिए भी आग जो है वो जला सकते हैं। अब ये एक टेक्नोलॉजी आई, इस टेक्नोलॉजी का कोई मिस यूज करे तो इसमें इस टेक्नोलॉजी का फॉल्ट नहीं है। तो सेम क्रिप्टो में भी ऐसा ही है। क्रिप्टो में जो बैड एलिमेंट्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी का मिस यूज करते हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी बकोल इसके ये है सारी टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज, लेकिन इस डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर भी इतने हिडन सेंट्रलाइजेशन के पॉइंट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, कि जहां जहां सेंट्रलाइजेशन इस डिसेंट्रलाइज मार्केट स्पेस के अंदर भी नजर आती है, वहां पे वही मसाइल थोड़े देर बाद हमें नजर आते हैं जो सेंट्रलाइजेशन की वजह से होते हैं। एक तो ये जो वाकया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं FTX का लूना क्रैश, इससे हमें दोबारा यही मैसेज मिलता है कि हमने अगर इस डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को अपना वेल्थ सेविंग की सेंस में अगर यूज करना है तो हमने डिसेंट्रलाइज ही अपने आप को रखना है। मिसाल के तौर पे हम किसी टेक्नोलॉजी के कॉइंस या टोकन, हम समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी, ये कॉइन, ये टोकन या इसकी ये जो टेक्नोलॉजी है आइंदा आने वाले वक्तों में लोगों में मशहूर होगी और मुझे इस टेक्नोलॉजी के जो यूटिलिटी टोकन है या यूटिलिटी कॉइन्स हैं वो रख लेने चाहिए क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो वो आपने जहां से भी खरीदने हैं आपने उसको वहां से खरीद के, मैं सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, आपने उसको अपने पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफर कर लेना। एक चीज तो ये हो गई, लेकिन इसमें दो चीजें बेहतर हुई हैं। एक तो यह है कि FTX के खसूसन क्रैश के बाद, ठीक है वो लूना के क्रैश के बाद मार्केट में ऐसा सेंटीमेंट बिगड़े, फिर FTX के बाद भी एकदम स्टार्ट में ऐसा लगा कि जैसे
अब जो क्रिप्टो में नए नए स्टार्टअप्स थे वो पैसा मार्केट से कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे मार्केट में कैपिटल आएगा, क्योंकि जो FTX जो कि टॉप टीयर एक्सचेंज थी, अगर वो कोलैप्स हो सकती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसको ज़हन में रख के एक खतरा था मार्केट में कि शायद अब मार्केट दोबारा कभी ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट में जब नया पैसा आएगा ही नहीं तो पुराने इन्वेस्टर को कैसे बेनिफिट होगा। तो एक तो इसकी ये खतरा जो था, ये खतरा आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होता गया, लोग सेंट्रलाइजेशन की तरफ, उनका रुझान डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ता गया। और आपने देखा होगा उसके बाद वॉलेट, क्रिप्टो पर्सनल वॉलेट वाले जितने फेमस प्रोजेक्ट्स है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, उसकी प्राइस देखें कहां से कहां तक गई। तो इसी तरह पर्सनल वॉलेट या डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स, उनकी ग्रोथ बढ़ी। अब ये जो ग्रोथ बढ़ी उनकी इस सारे क्राइसिस के बाद, इस क्राइसिस के अंदर जो प्रोजेक्ट ग्रो किए वो नए एंट्रेंट्स की वजह से नहीं हुए, जो पुराने इन्वेस्टर्स थे उनकी मेच्योरिटी, इस एक्सपीरियंस ने उनको मेच्योर किया और उन्होंने सेंट्रलाइजेशन से अपने आप को निकाल के डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ गए। अच्छा, ये सिलसिला जो था चल रहा था, ऐसे लग रहा था कि ये अभी आहिस्ता आहिस्ता धुन सेटल होगी, मुमकिन है इसको कुछ महीने और साल तक लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि एकदम अब ये जो एतमाद शैटर हो गया है ये कैसे रिकवर होगा। लेकिन इस दौरान एक बड़ा खूबसूरत तो नहीं मैं कहूंगा, आई डोंट नो, आई मुझे ये वर्ड यूज करना चाहिए कि नहीं, अमेरिका का जो बैंकिंग सिस्टम है वो एक तरह का फेलियर होना शुरू हो गया। उसकी वजह से अब होप जो है, मतलब जो पहले लोग क्रिप्टो से खौफ खा के दोबारा ट्रेडिफाई की तरफ जा रहे थे, ट्रेडिशनल फाइनेंस की तरफ जा रहे थे, अब वो जो दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उसके क्रैश होने की वजह से अब सिर्फ अमेरिका नहीं, सारी दुनिया की मार्केट, सारी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने अपने जो सेंट्रल बैंक्स हैं या जो बैंकिंग नेटवर्क्स है उससे खौफजदा हैं। सिर्फ अमरीकी नहीं, सिर्फ मैं अमेरिकी मार्केट की बात नहीं कर रहा, सारी दुनिया में एक पैनिक है कि भाई अगर अमेरिका के साथ ऐसे हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो अब वो जो FTX लूना क्रैश वाला जो हादसा था, इस अमेरिकी बैंकिंग फेलियर हादसे में आके वो छुप गया। अब जो लोग पहले डर के क्रिप्टो से भागे थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा उधर आने का, उनका रुझान जो है वो फिर दोबारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको बुनियादी तौर पर हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं, जैसे वो बात करते हैं कि मतलब हर बुराई में कहीं ना कुछ अच्छाई भी छुपी होती है। तो है तो ऐसा ही कि मतलब FTX नहीं, वाला बुराई में तो नहीं, आई वुड से कि अगर तबाही में कर रहे हैं, हर नुकसान देर इज में। एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी क्राइसिस। तो जी ये FTX वाले एपिसोड के बाद मतलब एक ना कम्युनिटी के अंदर से भी आवाज उठी थी कि हमें खुद को भी खुद से रेगुलेट करना चाहिए। मतलब वही जो बात आपने की कि ये टेक्नोलॉजी और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के फर्क को समझना बड़ा जरूरी है। जी